Hello and welcome to ECD classes. My name is Tawkirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. अब यहाँ पे तीसरा जो कंपोनेंट है दैट्स योर सीपीयू. इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, अब थर्ड है. तो जैसे मैंने आपको बताया सीपीयू कहाँ होता है, इस सिस्टम यूनिट के अंदर मदरबोर्ड होता है और मदरबोर्ड में एक चिप होती है जो कि आपकी सीपीयू होती है. ठीक है, अब सीपीयू सबसे पहले कहाँ होता है. सीपीयू इज लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड. यू शुड नो दिस दैट सीपीयू इज लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड. मदरबोर्ड ये सारा जो ये बोर्ड दिख रहा है ना आपको, ये सर्किट बोर्ड, दिस इज योर मदरबोर्ड. और ये मदरबोर्ड होता है आपके इसके अंदर लैपटॉप में, ये बिल्कुल कीबोर्ड के नीचे आपको दिखता है. तो लोकेशन कहाँ पे है इसकी, इट्स लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड एंड द मदरबोर्ड इज लोकेटेड इनसाइड द सिस्टम यूनिट. सिस्टम यूनिट क्या है, सिस्टम यूनिट एक डिब्बा है. सेकेंड थिंग की ये होता क्या है, बेसिकली दिस इज एन इंटीग्रेटेड चिप, दिस इज एन आईसी. आईसी क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स थे उसमें सीपीयू को बनाने के लिए या सीपीयू की जगह पर ट्रांजिस्टर्स यूज किए जाते थे, लेकिन वो अलग अलग होते थे, फिर उनको कनेक्ट किया जाता था. लेकिन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या किया गया, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में उन ट्रांजिस्टर्स को अलग अलग रख के उनको कनेक्ट करने के बजाय एक चिप बनाई गई और उसी चिप में वो सारे ट्रांजिस्टर्स को फैब्रिकेट किया गया, उनको एक ही चिप के अंदर बनाया गया. उसी को हम कहते हैं आईसी. आईसी का मतलब होता है बेसिकली इट्स अ चिप दैट कंटेन्स न्यूमरस ट्रांजिस्टर्स एंड अदर सर्किट यूनिट. एक चिप जिसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं और बहुत सारे लॉजिक गेट्स होते हैं जो कि ये सीपीयू का काम करते हैं. ठीक है, दिस इज आईसी. तो ये एक आईसी होती है, ये एक इंटीग्रेटेड चिप होती है. और इसके क्या मेन कॉम्पोनेंट्स है, इसके जो मेजर कॉम्पोनेंट्स है वो दो है, एएलयू दैट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड सेकेंड इज कंट्रोल यूनिट. इसके अलावा इसका और एक यूनिट होता है, इसके अंदर छोटी सी मेमोरी होती है, थोड़ा बहुत जिसमें कुछ बिट्स सेव कर सकते हो, दैट इज योर रजिस्टर्स. तो ये तीन कॉम्पोनेंट्स हो गए. तो ये आप याद रखोगे, यहाँ पे यू कैन ऐड वन मोर दैट इज रजिस्टर्स. ठीक है, यू कैन ऐड वन मोर दैट इज रजिस्टर्स. अब सीपीयू की अगर हम बात करेंगे तो सीपीयू को हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. दिस इज द क्वेश्चन जो कभी कभी आज भी पूछा जाता है, एंड आई थिंक लास्ट अभी या इस साल भी शायद किसी एग्जाम में उन्होंने पूछा हुआ था. तो सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. ब्रेन क्यों कहते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में जो भी काम है, पहले आप देखो ना कि सोचने का काम, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनके जो सॉल्यूशंस निकालने होते हैं वो कौन करता है, आपका दिमाग करता है. सेकंड थिंग जो आप शायद मे बी आपके आप भूल जाओगे शायद, वो ये है कि ब्रेन जो है वो आपके सारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है. एंड एग्जैक्टली जो सीपीयू है उसके अंदर कंट्रोल यूनिट होता है जो कि कंप्यूटर के सारे कॉम्पोनेंट्स को कंट्रोल करता है. चलो अगर हम मानेंगे कि कंप्यूटर जो सीपीयू होता है उसके अंदर एएलयू होता है, वो सारे जो भी ऑपरेशंस होंगे अरिथमेटिक एंड लॉजिकल वो सारे वो ही करेगा, जितने भी सॉफ्टवेयर चलाने होंगे वो वही चलाएगा. लेकिन जो सारे कंपोनेंट्स को कोऑर्डिनेट एक दूसरे के साथ कराना, उनको कंट्रोल करना, वो कंट्रोल यूनिट वो वाला पार्ट करता है. एग्जैक्टली जैसे हमारा ब्रेन होता है, जैसे हमारे ब्रेन जो ब्रेन हमारा होता है जैसे वो हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है. ठीक है, तो जैसे मैंने बताया सीपीयू जो है इट कंट्रोल्स ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइस, चाहे आपके इनपुट आउटपुट यूनिट्स जो बाहर होते हैं, चाहे इंटरनल डिवाइसेस होते हैं. इंटरनल डिवाइसेस मतलब रैम होती है वो तो अंदर होती है, या इसके अलावा आपकी रोम चिप है वो भी अंदर होती है, या कैश मेमोरी होती है वो अंदर होती है, तो वो इंटरनल यूनिट्स हो गए. बाकी जो बाहर होते हैं आपके इनपुट आउटपुट यूनिट्स होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं, इन सबको कंट्रोल सीपीयू ही करता है. तो सीपीयू इज बेसिकली द मास्टर, वो सबको कंट्रोल करता है. एंड इट परफॉर्म्स अ लॉजिक अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन. अब कंप्यूटर से अगर आप कोई काम करवाना चाहते हो ना, कोई भी काम जो आप कंप्यूटर पर करते हो उसको क्या होता है कि वो काम जो आप करते हो उसके अंदर से एनकोडिंग होती है, उसके कोड्स बनते हैं, बाइनरी कोड्स बनते हैं, और बाइनरी कोड जब उसके बनते हैं तो आपकी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, आपकी टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए उन कोड्स के ऊपर प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं ताकि आपका काम हो जाए. अब फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको अगर सिंपल एक फोटोग्राफ उठाना है, फोटो उठानी है आपको, तो इस फोटो को उठाने के लिए जब आप फोटो क्लिक करते हो, आपने फोटो पे क्लिक किया, आपने कैमरा पे जो नीचे होता है ना क्लिक जहां पे आप करते हो फोटो उठाने के लिए, तो वंस यू क्लिक दैट आइकन देयर आपकी फोटो सामने आ जाती है. वो कैसे होता है, आपको लगता होगा कि ये
इसमें क्या मैथ्स है, इसमें क्या अर्थमेटिक ऑपरेशन है, लेकिन उस चीज को करने के लिए भी मैथ्स लगती है, उस चीज को करने के लिए भी अंदर प्लस माइनस होता है। पता नहीं ये आपको कितना अजीब लगेगा, लेकिन दिस इज द रियलिटी। जब आप टाइप करते हो ना, आप लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने वर्ड फाइल ओपन किया एंड यू स्टार्टेड राइटिंग ए बी सी डी वट एवर, जो भी अपने नाम कुछ भी लिख रहे हो, आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया और आप सोचोगे यार इसमें क्या मैथ्स होगी, लेकिन आप जब प्रेस करते हो की, उस की के प्रेस करने के बाद वो जो लेटर आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है, इसको पॉसिबल बनाने के लिए भी अंदर से मैथ्स लगती है। कंप्यूटर के अंदर प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, और ये ALU करता है। तो आप ये चीज याद रखो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि वॉट एवर जो भी काम आप कंप्यूटर के ऊपर करते हो, कोई भी वट एवर यू कैन थिंक ऑफ, अंदर से उसको परफॉर्म करने के लिए मैथ्स की जरूरत पड़ती है। अंदर से प्लस माइनस होता है, मतलब अंदर से अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है, या अंदर से अर्थमेटिक ऑपरेशन सिर्फ जरूरत नहीं पड़ती बल्कि लॉजिकल ऑपरेशन भी जरूरत पड़ती है। लॉजिकल ऑपरेशन मतलब कंपेयर करने की जरूरत पड़ती है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने यहां से एक फोटो उठानी है, या आपने जो टाइप किया हुआ है उसके लिए अंदर से को कहाँ पे प्लस करना है, किसको माइनस करना है, किसको कंपेयर करना है, वो आप नहीं करोगे, वो कंप्यूटर अंदर से सारा कर देता है। लेकिन होता यही है कि कोई भी ऑपरेशन, कोई भी फंक्शन, कोई भी काम आप कंप्यूटर के ऊपर करते हो, इनसाइड द कंप्यूटर वो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन होता है। और वो कौन करता है? वो सीपीयू के अंदर ALU यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट करता है। जो दूसरा पार्ट है दैट्स कंट्रोल यूनिट, उसका काम है इन सारे कंपोनेंट्स को, इनपुट आउटपुट मेमोरी इन सब को, ALU इनको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कराना, इनको कंट्रोल करना। अगर आपने यहां, मैं अभी आपको बताया कि इनपुट यूनिट से डेटा आता है मेमोरी में, रैम में, रैम से वो सीपीयू में जाता है, सीपीयू से फॉर एग्जाम्पल वापस रैम में, या सीपीयू से रजिस्टर में, रजिस्टर से रैम में, रैम से कभी फॉर एग्जाम्पल आउटसाइड स्टोरेज में जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज में, या रैम से आउटपुट डिवाइस में जाएगा। तो हु डिसाइड दिस, कौन डिसाइड करता है कि अगर यहां से इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा आया तो वो रैम में आएगा, या रैम से फिर आउटपुट डिवाइस में जाएगा, या फिर सेकेंडरी स्टोरेज में जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है? दिस इज डिसाइडेड बाय द कंट्रोल यूनिट। ये काम कंट्रोल यूनिट करता है। कंट्रोल यूनिट का काम होता है वो एक ट्रैफिक, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला होता है ना, वो डिसाइड करता है कि ये गाड़ी यहाँ जाएगी, ये गाड़ी। तो एग्जैक्टली वैसे ही डेटा जो अंदर से फ्लो करता है, वो कौन डिसाइड करता है, उसको कौन कोऑर्डिनेट करता है, उसको कौन सुपरवाइज करता है, वो कंट्रोल यूनिट करता है। तो सीपीयू के अंदर दो पार्ट होते हैं मेन, तीन तीन आप मान सकते हो रजिस्टर भी, बट द मेन टू पार्ट ऑफ द सीपीयू जो आप मान सकते हो, जो कि हम मान सकते हैं, दैट इज जो कंप्यूटर का कोर है, जो ब्रेन है कंप्यूटर का, वो है कंट्रोल यूनिट ALU। ALU का काम है सारे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करना। अब आप बोलोगे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस कितने होते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप चलाओगे, कोई भी काम आप कंप्यूटर के ऊपर करते हो, वो अंदर से ALU ही होता है, वो अंदर से अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ही होते हैं। तो असल काम जो है, मेन काम, वो कौन करेगा? वो ALU करेगा। लेकिन ये काम करने के लिए ALU को रजिस्टर की जरूरत पड़ती है, रैम से डेटा लाना पड़ता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा लाना पड़ता है, आपको भेजना पड़ता है डेटा को। तो ये जो है इनके बीच कोऑर्डिनेशन, डेटा कहाँ जाएगा, कहाँ से आएगा, ये डिसाइड करेगा आपका कंट्रोल। तो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स ऑल दिस। आज के लेक्चर में ये बहुत बार मैं रिपीट करने वाला हूँ, क्योंकि जब तक ये समझ नहीं है इनका आपको, तब तक मुझे लगता है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है ये चीज आपको समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सीपीयू, एग्जैक्टली ये एक छोटी सी चिप होती है, ये सीपीयू आज के कंप्यूटर्स की है। और जब एक छोटी सी चिप सीपीयू होता है तो उसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ये मैंने आपको कल भी बताया कि माइक्रो कंप्यूटर्स जो होते हैं, बेसिकली दीज आर दोज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स जिनमें एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, जिनमें सीपीयू एक चिप होता है। तो ये एक छोटी सी चिप होती है जो मदरबोर्ड के ऊपर होती है, और एग्जैक्टली मदरबोर्ड फिर इसके अंदर होता है। सीपीयू की अब हम बात करते हैं। तो सीपीयू जो है, सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, इसको सेंट्रल प्रोसेसर भी कहते हैं, इसको मेन प्रोसेसर भी कहते हैं, या सिंपली इसको प्रोसेसर कहते हैं। ये एक चिप होती है, ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ये एक आईसी होती है जो कि एग्जीक्यूट करती है जितने भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दी जाती हैं, वो सारे कौन करता है एग्जीक्यूट? यही सीपीयू करता है। तो सीपीयू का पहला काम, द फर्स्ट टास्क दैट द कंप्यूटर डज, इसको याद रखो, द फर्स्ट टास्क ऑफ द सीपीयू इज टू एग्जीक्यूट
टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन टू द कंप्यूटर। अब याद करो कल मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को वो हम दो तरीकों से दे सकते हैं। एक होगा हम मैन्युअली इंस्ट्रक्शन देंगे, हम माउस क्लिक्स के थ्रू इंस्ट्रक्शन देंगे, मैं कीबोर्ड से दूंगा, मतलब मैं कीबोर्ड से दूंगा कंट्रोल एस, मैंने शॉर्टकट की दबाई, इट्स एन इंस्ट्रक्शन, ये एक इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर को कि ये डॉक्यूमेंट सेव करो। लेकिन दूसरा तरीका है ऑटोमेटिक, उसके लिए हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के दो तरीके होते हैं, एक होता है मैनुअल जो कि हम इनपुट आउटपुट इनपुट डिवाइसेस से देते हैं, सेकंड होता है ऑटोमेटिक जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम्स के थ्रू हम दे सकते हैं। तो इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट करना क्या होता है, एग्जीक्यूट करने का मतलब कि जो इंस्ट्रक्शन मैंने यहां से दी है उसको फुलफिल करना। अगर मैंने कंप्यूटर को यहां से कंट्रोल एस दबाया है, मतलब मैं चाहता हूं कि ये जो फाइल है ये सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर हो जाए, तो एग्जीक्यूशन का मतलब है कि वो सच में वहां पे सेव हो जानी चाहिए। या अगर मैं यहाँ 5+3 एंटर करता हूं तो मैं चाहता हूं कि 5+3 को ऐड हो जाना चाहिए। तो अगर कंप्यूटर 5+3 को ऐड कर देगा तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर ने इस इंस्ट्रक्शन को ऐड कर दिया, इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया। तो पहला काम जो सीपीयू का होता है वो होता है टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन टू द कंप्यूटर। और इंस्ट्रक्शंस हम दे सकते हैं मैन्युअली या दे सकते हैं ऑटोमेटिक जो कि हम प्रोग्राम्स के थ्रू दे सकते हैं। नाउ अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो यहां लिखा हुआ है टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस, तो असल में ये एग्जीक्यूशन कौन सा पार्ट सीपीयू का करता है, यू विल आंसर कि सर ये जो एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ये एएलयू करता है। लेकिन इस एग्जीक्यूशन को पॉसिबल बनाने के लिए, इस एग्जीक्यूशन को पॉसिबल बनाने के लिए जरूरत है कि डेटा मेन मेमोरी से आना चाहिए सीपीयू में, और जो रिजल्ट है वो फिर वापस मेन मेमोरी में जाना चाहिए और फिर आउटपुट डिवाइस पे आना चाहिए। तो इस सारे जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को मुमकिन बनाने के लिए इट्स नेसेसरी कि एक अथॉरिटी होनी चाहिए, एक ऐसा कंपोनेंट होना चाहिए जो सुपरवाइज करे सबको, वो है आपका कंट्रोल यूनिट। आई होप ये मैं क्लियर कर पा रहा हूं। इसके अलावा सीपीयू में थर्ड पार्ट होता है, दैट इज द रजिस्टर। अब रजिस्टर क्या है, रजिस्टर बेसिकली एक छोटा सा मेमोरी यूनिट है। अभी के लिए आप याद रखो कि जब हम मेमोरी पढ़ते हैं, कंप्यूटर में बहुत सारी टाइप की मेमोरीज होती है, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी, दूसरी होती है मेन मेमोरी, तीसरी होती है रजिस्टर, और यहाँ पे और एक मेमोरी होती है जिसको हम कहते हैं CACH। तो ब्रॉडली चार टाइप की मेमोरीज होती है, मेमोरी, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, CACH, कैश मेमोरी, एंड द फोर्थ वन इज द रजिस्टर। और इनमें से सिर्फ एक मेमोरी है जो सीपीयू के अंदर होती है, जो उस चिप के अंदर होती है, दैट इज दिस रजिस्टर। और ये यूजली 8, 16, 32, 64 इतने रजिस्टर्स होते हैं, और हर एक रजिस्टर कुछ बिट स्टोर कर सकता है, कोई रजिस्टर 32 बिट्स स्टोर कर सकता है, कोई 16 बिट स्टोर कर सकता है। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा यू कैन स्टोर एट मैक्स शायद KB, कुछ KB शायद स्टोर कर पाओ, वो भी बहुत कम, मे बी 2 KB और 3 KB और 6 KB, इतना सा होता है ये रजिस्टर। ये होते हैं बहुत सारे, लेकिन फिर भी अगर कलेक्टिवली सब की अगर हम स्टोरेज कैपेसिटी को देखें तो 1 KB तक भी नहीं होता है कंप्यूटर के अंदर रजिस्टर्स की कैपेसिटी। लेकिन ये इनका काम क्या है, इनका काम होता है कि जब ALU जब ये एग्जीक्यूट कर रहा होता है इंस्ट्रक्शंस, जब वो मैथ्स कर रहा होता है प्लस माइनस, तो उसको कभी कभी जरूरत पड़ती है कि फॉर एग्जाम्पल उसको 3 नंबर्स को ऐड करना है। तो ALU में एक चीज होती है कि 3 नंबर्स का एक साथ नहीं होता है ऐड, 2 नंबर्स का ऐड हो सकता है, तो वो क्या करेगा, पहले 2 को ऐड कर देगा। फिर जब उसने पहले 2 को ऐड कर दिया तो 2 को ऐड करके जो रिजल्ट आया उसको एक रजिस्टर में सेव कर दिया, फिर यहाँ से मेन मेमोरी से तीसरे वाले को लेके आएगा, फिर जो सेव रखा था उसको और जो तीसरा नंबर लाया उन 2 को ALU ऐड करेगा। तो बेसिकली रजिस्टर का इसमें बहुत टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप याद रखो रजिस्टर का मेन काम जो होता है ये इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करता है, या ये हेल्प करता है ALU को इन एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। आई डोंट नो, मे बी मैं शायद बहुत चीजें आपको बता रहा हूँ, मैं मे बी कुछ आप में से होंगे जिनको समझ नहीं आ रहा होगा, बट आई एम टेलिंग यू कि अगर आप सिंसियरली इस कोर्स को करोगे, मुझे नहीं लगता कि
कोई भी एसएसबी का क्वेश्चन होगा जो कि आप नहीं कर पाओगे। बाकी चलो आप फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, आपको पूछा जाएगा मे बी यू नो किसी की फुल फॉर्म एंड ऑल, वो तो नहीं है मसला, वो तो कोई भी कर लेगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि कल को पेपर में यू हैव गॉट 25 मार्क्स, एंड इफ दे आस्क यू 5 क्वेश्चन जो कॉन्सेप्चुअल होंगे वहां पे ऐसे ही चाहिए। ग्रेट, गुड, गुड गुड, आई एम ग्लैड टू हेयर दैट। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद, चलो छोड़ो ठीक है। तो कल को अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी इधर उधर आया जो आपकी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करेगा, तो वहां पे आपने कितना भी याद किया होगा वो नहीं चलेगा। यू नो कल को वो पूछेंगे ना, वो मे बी यू नो कल को पूछेंगे एक ऐसा क्वेश्चन जो पूछेंगे शायद एएलयू के बारे में, सीयू के बारे में। तो अब आपने एक चीज तो पढ़ी होगी, एक स्टेटमेंट आपको याद होगा दैट यू नो एएलयू एग्जीक्यूट्स द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, बट मे बी वो उसकी वर्डिंग ऐसे चेंज कर देंगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप सिंपल लैंग्वेज में आप समझो कि काम क्या करता है। एंड कंप्यूटर कोई यू नो ये कोई कॉम्प्लिकेटेड मशीन नहीं है, इसको बनाने वाले इंसान है, और ये समझना भी आसान है। थोड़ा सा अब टाइम हमारे पास उतना नहीं है, बट जितना मैं समझा सकता हूँ आप कोशिश करो उतना समझने। ठीक है, तो चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है इसमें से वो ये है कि सीपीयू के 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं। इसमें एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, और तीसरी चीज जो इसमें होती है वो कुछ रजिस्टर्स होते हैं, कुछ रजिस्टर्स होते हैं। पहला यहाँ पे अगर हम सीपीयू की फंक्शन को देखेंगे, फर्स्ट इज सीपीयू ट्रांसफर्स इंस्ट्रक्शंस एंड इनपुट डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू द रजिस्टर। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी इनपुट डिवाइसेस से डेटा आता है तो वो कहाँ आता है, मेन मेमोरी में, वो रैम में आता है। ठीक है, वो कहाँ आता है, रैम में। अब रैम से उस डेटा को रजिस्टर में लाना पड़ता है, किसी रजिस्टर में लाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 5 + 3 मुझे ऐड करना है, तो जैसे मैंने इनपुट डिवाइस कीबोर्ड पे प्रेस मैंने किया 5 + 3, तो वो 5 + 3 ये तीनों के तीनों पहुंच जाएंगे रैम में। अब रैम से क्या होगा, 5 आएगा वो एक रजिस्टर में आएगा, या तीनों 5 + 3 तीनों के तीनों आएंगे वो एक रजिस्टर में, यहाँ किसी एक रजिस्टर में स्टोर रहेंगे। ठीक है, यहां से रजिस्टर में स्टोर रहेंगे, लेकिन मेन मेमोरी से उनको रजिस्टर में लाना है, उसके लिए क्या है जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि यहाँ पे जो मेन मेमोरी और रजिस्टर के बीच की जो लिंक है, यहाँ पे जो बस है, उस बस को एक्टिवेट करना पड़ता है। देखो यहां से जैसे मैंने 5 + 3 एंटर किया, वो मेन मेमोरी में आ गया। अब मेन मेमोरी से डेटा सेकेंडरी मेमोरी में भी जा सकता है, आउटपुट डिवाइस में भी जा सकता है, लेकिन कैसे एंश्योर होगा कि ये 5 + 3 रजिस्टर में जाए, इसके लिए क्या होगा कि मेन मेमोरी के जितने बाकी कनेक्शंस होंगे वो सारे डिसेबल हो जाते हैं, वो सारे डिसेबल हो जाते हैं, और ये वाला जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब मेन मेमोरी टू रजिस्टर जो एक बस है ये एक्टिवेट हो जाएगी। ये कैसे एक्टिवेट हो जाएगी, इसको एक्टिवेट करेगा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट सिग्नल भेजेगा इस मेन मेमोरी को, और यहां से जब ये सिग्नल जाएगी तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे लिंक, सारी की सारी बसेस जो है वो बंद हो जाएंगी, डिसेबल हो जाएंगी, ये वाली एनेबल हो जाएगी, और डेटा जो है यहाँ से 5 + 3 रजिस्टर में हो जाएगा। तो पहला काम सीपीयू, अब ये कंट्रोल यूनिट ने किया ना ये काम, मेन मेमोरी से डेटा रजिस्टर में आया, ये कैसे आया, ये इस वजह से आया क्योंकि ये जो यहाँ बस थी ये एक्टिवेट हो गई, बाकी सारी डीएक्टिवेट हो गई। इसको एक्टिवेट किसने किया, इसको एक्टिवेट किया कंट्रोल यूनिट ने। तो ये आप याद रखो कि जो भी डेटा अंदर से फ्लो करता है, चाहे जहां से भी जा रहा है, वो जा रहा है तो कंट्रोल यूनिट की वजह से जा रहा है। कंट्रोल यूनिट को सब पता है, वो देखता है इंस्ट्रक्शंस को, उसको सब पता है कि इसको कहाँ जाना है, इसको कहाँ जाना है, तो इस हिसाब से वो इन बसेस को एनेबल और डिसेबल करता है, या एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करता है। तो पहला काम मेन मेमोरी से डेटा रजिस्टर्स तक लाना, ये काम किसका है, ये कंट्रोल यूनिट का है या सीपीयू का है। सीपीयू का दूसरा काम है, अब यहां तक ये इंस्ट्रक्शन आ गई 5 + 3, अब रजिस्टर में आ गई, अब उसको एग्जीक्यूट करना है, उस 5 + 3 को असल में एड करना है ना, तो वो एड करने को हम कहेंगे एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। वो कौन करेगा, दैट विल बी डन बाय द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो पहला काम जो था मेन मेमोरी से रजिस्टर तक लाने का, वो कंट्रोल यूनिट ने किया। अब रजिस्टर से फिर उसको एग्जीक्यूट करना, वो काम किसने किया, वो एएलयू ने किया। अब एएलयू ने कर दिया 5 + 3, आंसर आ गया 8। अब 8 आके यहाँ एक रजिस्टर में स्टोर रहेगा, लेकिन अब उस 8 को वापस मेन मेमोरी में लेके जाना है ना, तो अब क्या होगा, अब यहां से जो बस जा रही होगी वो वाली एक्टिवेट हो जाएगी, बाकी रजिस्टर से इस तरफ जो जाएंगी वो डीएक्टिवेट, या रजिस्टर के बाकी से कनेक्शन वो डीएक्टिवेट होंगे, सिर्फ ये एक्टिवेट हो जाएगी और उसके थ्रू डेटा जो है वो मेन मेमोरी में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीपीयू ने क्या किया, पहला काम इसने किया
डेटा लाने का, फिर दूसरा काम इसने किया इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का, और तीसरा काम फिर इसने किया डेटा को वापस मेन मेमोरी तक ले जाने का। उसमें हमने देखा कि डेटा और लाने और ले जाने का काम ये कंट्रोल यूनिट का था, क्योंकि उसी ने एनेबल और डिसेबल किए लिंक्स या बसेस, एंड बीच वाला जो काम था मेन काम जो कि एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस था वो किसने किया, वो एएलयू ने किया, दैट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इज दिस क्लियर टू यू? सीपीयू का काम समझ आया? सीपीयू में हमने देखे तीन यूनिट, उसमें था पहला कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम है डेटा फ्लो को मॉनिटर करना, डेटा कहां से कहां जाएगा वो कौन करेगा, वो कंट्रोल यूनिट करेगा। क्लियर? ग्रेट। सेकंड था अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, उसका काम है असल में एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस इज डन बाय द एएलयू। एंड थर्ड क्या था? थर्ड था ये रजिस्टर। ये रजिस्टर, अब आपको क्या समझ आया? आपको समझ आया कि बेसिकली दिस लाइज बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द एएलयू। ये यहां से जो डेटा आता है ना उसको ये स्टोर करता है, ठीक है? तो और इसके अलावा हम देखते हैं कि जब ये एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस, तो कुछ डेटा जो है कुछ इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, याद रखोगे आप, कुछ इंटरमीडिएट रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि रजिस्टर में सेव होते हैं, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। नाउ कंपोनेंट ऑफ ए सीपीयू की जब हम बात करते हैं, तो मैं ऑलरेडी आपको बताया कि कंपोनेंट्स में वी हैव द एएलयू एंड वी हैव द कंट्रोल यूनिट। एएलयू जो है, एएलयू में आपको याद रखना है कि एएलयू के अंदर होती है सारे सर्किट्स जो कि सारे ऑपरेशंस करता है। मैंने आपको बोला कि कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप चलाते हो, कोई भी काम जो आप कंप्यूटर के अंदर करते हो, वो अंदर से वो होता है कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस और कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस। और उन अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को करने के लिए अंदर सीपीयू के अंदर कुछ सर्किट्स होती हैं, उन्हीं सर्किट्स को हम कहते हैं एएलयू। एएलयू जब आप सुनते हो तो कोई एएलयू कोई बला नहीं है, एएलयू बेसिकली कुछ सर्किट्स हैं। एडर सर्किट होता है इसमें, सब्ट्रैक्टर सर्किट होता है इसमें, कंपैरिजन के लिए सर्किट होता है इसमें, तो कुछ सर्किट्स होते हैं जो कि ये अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं। तो फिर से मैं ये बात रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी काम हो कंप्यूटर के ऊपर जो आप करते हो, अंदर से वो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ही होते हैं और वो काम एएलयू करता है। सो एएलयू कंटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी दैट एग्जीक्यूट्स ऑल द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन द अवेलेबल डेटा। डेटा के ऊपर जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस या लॉजिकल ऑपरेशंस करने होते हैं वो आपका एएलयू करता है। और एएलयू ये काम करने के लिए, ये एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस करने के लिए एएलयू रजिस्टर्स की हेल्प लेता है, क्योंकि रजिस्टर्स इसको डेटा वो होल्ड करते हैं, वो रजिस्टर्स होल्ड द डेटा जिसके ऊपर प्रोसेसिंग हो रही है, जिसके ऊपर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपके दो कंपोनेंट्स एएलयू एंड रजिस्टर्स का फंक्शन क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला कि एएलयू जो है वो बेसिकली उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, लेकिन ये चार टाइप के ऑपरेशंस कर सकता है, चार टाइप के ऑपरेशंस कर सकता है। पहला जो टाइप है दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन मतलब ये ऐड कर सकता है, सब्ट्रैक्ट कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, डिवीजन कर सकता है। अब आप बोलोगे कि ये ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, इसके अलावा भी तो बहुत सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन, लेकिन बेसिक यही है। बाकी अगर आपको स्क्वायर रूट ढूंढना है, आपको और भी कोई यू नो मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, तो वो इन्हीं से आप कर सकते हो। दीज आर द फोर बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस व्हिच यू मस्ट बी अवेयर ऑफ। अब आप बोलोगे, मैं फिर से ये रिपीट कर रहा हूं कि हम सिर्फ मैथ्स करने के लिए कंप्यूटर को यूज नहीं करते, तो इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया हुआ है इस अरिथमेटिक ऑपरेशन को यहाँ पे। लेकिन मैं फिर से बताऊं कि बाहर से हमें कुछ भी लग रहा हो, बाहर से हमें लग रहा हो कि हम पता नहीं क्या कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर, लेकिन अंदर से वो यही अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो रहे होते हैं। सेकेंड इज द लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं एंड, नॉट और, जोर, ये कुछ मे बी यू नो समवन हु हैज रेड दीज थिंग्स इन क्लास 12 फिजिक्स में होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि मैंने आपको बोला कि जो अंदर से कंप्यूटर के अंदर जो डेटा होता है वो बाइनरी में होता है, और बाइनरी डेटा के ऊपर कुछ ये लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं लाइक एंड, नॉट, और एंड एक्सॉर। ये क्या होता है इसको समझने के लिए, फॉर एग्जाम्पल एंड अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझो कि अगर दो बिट्स को मुझे एंड करना है, एक वन है दूसरा वन है, या एक वन है दूसरा जीरो है, या पहला जीरो है दूसरा वन है, या दोनों के दोनों आपके जीरो है। अगर मुझे एंड करना है तो अगर दो बिट्स का एंड करना है और दोनों की दोनों वन है तो इन दोनों का एंड वन आता है,
और अगर वन एंड जीरो है तो एंड जीरो आएगा, एंड जीरो आएगा, एंड जीरो आएगा, ठीक है, इन तीनों में। इसका ये मतलब है कि जब हम दो बिट्स को एंड करते हैं तो एंड का मतलब होता है कि अगर दोनों वन हुए तो आउटपुट भी वन आएगा, बाकी सारे केसेस में आउटपुट जो है वो आपका जीरो आएगा। ये एंड ऑपरेशन होता है। अब आप बोलोगे इसका क्या काम है, ये क्यों करें? बाकी ऑपरेशन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो भी काम आप अंदर जो आप करते हो कंप्यूटर के ऊपर, उसको पॉसिबल बनाने के लिए इन ऑपरेशंस की अंदर से जरूरत पड़ती है, ठीक है? ये चीज आपको समझ आई? ऐसे ही नॉट होता है, नॉट होता है मतलब उल्टा करना, मतलब अगर वन है, वन बिट है, इसको जीरो बनाना है, या अगर जीरो है इसको वन बनाना है, दिस इज नॉट ऑपरेशन। ऐसे ही और एक्सोर है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि एंड और ये लॉजिकल ऑपरेशन ये होते हैं बाइनरी पे, ये बिट्स पे होते हैं। वो समझाने के लिए मैंने आपको एंड समझाया। एंड का मतलब होता है कि अगर दोनों बिट्स वन होंगी तो वन होगा आउटपुट, और जो यहाँ पे और लिखा हुआ है, और का मतलब दोनों में से एक वन होना चाहिए एटलीस्ट। तो अगर और करेंगे हम इनका तो दोनों वन होंगे तो ये वन होगा, अगर दोनों में से एक वन है तो फिर भी वन होगा, यहाँ पे भी दोनों में से एक वन है तो ये भी वन होगा, लेकिन लास्ट वाले केस में यहाँ पे जीरो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दोनों के दोनों जीरो है। ये आपको नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखो कि इट्स अ टाइप ऑफ ऑपरेशन जो कि कौन करता है, एएलयू करता है। तो एएलयू लॉजिकल ऑपरेशन करता है जिसमें एंड नॉट और एक्सोर आते हैं जो बाइनरी के ऊपर होते हैं। सेकेंड अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है ये, जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन आता है। थर्ड इसमें आता है बिट शिफ्टिंग ऑपरेशन। बिट शिफ्टिंग ऑपरेशन होते हैं कुछ इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल एक रजिस्टर है, रजिस्टर में ये स्टोर्ड है 1001 स्टोर्ड है, 1001 स्टोर्ड है, 1001 अगर एक रजिस्टर में स्टोर्ड है तो कभी हमें जरूरत पड़ती है कि हमें बिट शिफ्टिंग की जरूरत पड़ती है, मतलब एक बिट को राइट की तरफ ले जाना, मतलब यहाँ पे क्या था, ये वन था ना यहाँ पे, तो वन यहाँ पहुंच जाएगा, ये जीरो जो है ये यहाँ आ जाएगा, ये जो जीरो है ये यहाँ आ जाएगा, ये वन जो है ये बाहर चला जाएगा, ठीक है? या हम कह सकते हैं कि ये वन जो है इसको यहाँ भी ले जा सकते हैं, ठीक है? तो ये यहाँ आ जाएगा, इसको हम कहते हैं शिफ्ट, शिफ्ट करना, बिट्स को शिफ्ट करना टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट। अब आप बोलोगे ये क्या काम है? ये काम भी अंदर से जरूरत पड़ती है, आपको समझना नहीं है किस लिए लगता है, बस इतना याद रखो कि अंदर से कभी हमें, फॉर एग्जाम्पल ये रजिस्टर में ये डेटा है, इस रजिस्टर में इन बिट्स को हमें शिफ्ट करने की जरूरत पड़ सकती है, ये भी आपका एएलयू करता है। इसके अलावा कंपैरिजन ऑपरेशंस की जरूरत पड़ती है। कंपैरिजन में आपका इक्वल कभी हमें देखना होगा कि दो नंबर्स में बड़ा कौन है छोटा कौन है, या क्या दो नंबर्स इक्वल है भी या नहीं, तो ये भी आपका आएगा किसमें? कंपैरिजन ऑपरेशन में। यहाँ पे आप देख सकते हो दीज आर द कंपैरिजन ऑपरेशन, ठीक है? आई होप ये चीज आपको समझ आ रही है। तो एएलयू में आपने याद रखा कि एएलयू जो है इट डज इट एग्जीक्यूट्स, मैं इसका इसका क्रक्स निकाल रहा हूँ, इट एग्जीक्यूट्स ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। दूसरा, इसको एग्जीक्यूशन करने के लिए ये हेल्प लेता है रजिस्टर्स की, एंड जो चार बेसिक ऑपरेशंस एएलयू करता है उसमें लॉजिकल ऑपरेशंस, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, बिट शिफ्टिंग ऑपरेशंस और कंपैरिजन ऑपरेशंस आते हैं। यहाँ पे कंट्रोल यूनिट की बात करते हैं। एएलयू तो हो गया, अब कंट्रोल यूनिट आपको याद रखना है कि कंट्रोल यूनिट का काम होता है कोऑर्डिनेशन। इट कोऑर्डिनेट्स विद द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बीच कोऑर्डिनेशन, मतलब यहां से डेटा आएगा वो मेन मेमोरी में आएगा, या यहां से मेन मेमोरी में डेटा आउटपुट में जाएगा, आउटपुट डिवाइसेस में जाएगा, इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए कंट्रोल यूनिट, ये कंट्रोल यूनिट का काम है। सो द फर्स्ट थिंग कंट्रोल यूनिट डज इट इज इट कोऑर्डिनेट्स विद द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। सेकेंड थिंग इज इट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू कैरी आउट स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाय कम्युनिकेटिंग विद द एएलयू एंड रजिस्टर्स। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल यहां से आया 5 प्लस 3 कहाँ पे स्टोर है, 5 प्लस 3 मैंने इनपुट दिया, 5 प्लस 3 वो मेन मेमोरी में आया, मेन मेमोरी से कंट्रोल यूनिट ने मेन मेमोरी को सिग्नल भेजा कि इस 5 प्लस 3 को आगे भेजो और उसको रजिस्टर में भेजेगा। अब यहाँ पे 5 प्लस 3 आया, अब यहाँ पे मैंने आपको बोला कि एएलयू क्या है, एएलयू में सर्किट्स होते हैं, इसमें एडिशन सर्किट होता है, सब्ट्रैक्शन सर्किट होता है, मल्टीप्लीकेशन सर्किट, डिविजन सर्किट, ये सर्किट्स होते हैं। अब इस 5 प्लस 3 को किस सर्किट के थ्रू, एएलयू में किस सर्किट के थ्रू जाना है, एडिशन सर्किट के थ्रू जाना है। तो इसका मतलब है कि एएलयू के अंदर जो एडिशन सर्किट है उसको एक्टिवेट कराना है, क्योंकि इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए एएलयू में एडिशन सर्किट एक्टिवेट हो जाना चाहिए। तो ये कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, ये एएलयू को सिग्नल भेजेगा, और एएलयू को सिग्नल जब ये भेजेगा तो एएलयू में वो वाली सिग्नल भेजेगा जिससे एडिशन वाला जो होगा, एडिशन वाला जो सर्किट होगा वो एक्टिवेट
हो जाएगा, बाकी सारे डिसेबल हो जाएंगे। जैसे ही एडिशन वाला एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ से ये डेटा आएगा एडिशन थ्रू के एडिशन सर्किट के थ्रू पास हो जाएगा और वहां से 8 आपका रिजल्ट आएगा, फिर इस लिंक को एक्टिवेट करेगा, वो 8 यहाँ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा क्रक्स निकलता है ये है कि जो कंट्रोल यूनिट है वो ALU को डायरेक्ट करता है कि तुम्हें कौन सा इंस्ट्रक्शन, कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, एग्जीक्यूशन ALU ही करेगा, लेकिन उसको कौन बताएगा कि कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, वो आपका कंट्रोल यूनिट करेगा। तो कंट्रोल यूनिट के दो काम होते हैं, एक काम होता है कोऑर्डिनेट इन दोनों के बीच डेटा फ्लो, मतलब डेटा कहाँ से आएगा कहाँ जाएगा। सेकेंड थिंग इज कि ALU को बताना कि तुम्हें क्या करना है। तो आप ऐसे मान सकते हो कि ये कंट्रोल यूनिट जो है, समझने के लिए मैं आपको एक एनालॉजी दूंगा, कंट्रोल यूनिट एक मास्टर है और ये जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ये इसका मजदूर है। मजदूर सारा काम करता है, लेकिन कंट्रोल यूनिट इसको बताता है कि तुम्हें कौन सा काम करना है। आई होप ये आपको समझ आएगी। एंड दिस कंट्रोल यूनिट इज नॉट द मास्टर ऑफ ALU ओनली, इट्स द मास्टर ऑफ ऑल अदर डिवाइसेस और कंपोनेंट्स एज वेल। ठीक है, समझ आई ये चीज आपको। इसके बाद द बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंट्रोल यूनिट इज टू फेच द इंस्ट्रक्शन, फिर से जो मेन मेमोरी में डेटा होगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो मेन मेमोरी में डेटा होगा उसको फेच करना, उसको रजिस्टर में लाना और फिर आइडेंटिफाई करना कि इसमें क्या करना है, प्लस करना है माइनस करना है, उसी हिसाब से ALU को इंस्ट्रक्शन देना कि एडर सर्किट एक्टिवेट करो। ALU एड करेगा, फिर वापस उसको कहाँ भेजना, रजिस्टर में, और फिर रजिस्टर से वापस फिर मेन मेमोरी में ले जाना, ये कंट्रोल यूनिट का काम है। ठीक है, ये चीज आपको समझ आई। तो ALU जो है, ALU क्या करता है, ALU दो काम करता है। एक है कि इट कोऑर्डिनेट्स, ये इन सारे कंपोनेंट्स के बीच की कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मतलब कि डेटा कहाँ से जाएगा कहाँ आएगा, ये कौन सुपरवाइज करता है, ये कंट्रोल यूनिट करता है। सेकंड काम जो ये करता है, ये बताता है ALU को कि तुम्हें क्या करना है, कौन सी फंक्शन तुम्हें करनी है। अब इसको करने के लिए क्या है, ALU क्या है, ये कंट्रोल यूनिट क्या है, ये तो कुछ सर्किट है वहां पे। अब ये वहां सर्किट है, ये तो नहीं जाएगा ना उठ के वहां पे ALU के पास और बोलेगा कि चलो ये करो। ये सिग्नल भेजता है, इसका काम है बस सिग्नल भेजना, और कंप्यूटर को ऐसे बनाया गया है कि इसके सिग्नल भेजने से सब ठीक हो जाता है। ये सिग्नल भेजेगा ALU को, कंट्रोल यूनिट, और ALU को पता चल जाएगा मुझे क्या करना है। ये सिग्नल भेजेगा मेन मेमोरी को, और मेन मेमोरी को पता चल जाएगा मुझे डेटा रजिस्टर में भेजना है या आउटपुट डिवाइस में भेजना है। कंट्रोल यूनिट जो है, ये भेजेगा आउटपुट डिवाइस को सिग्नल, और आउटपुट डिवाइस को पता चल जाएगा मुझे क्या करना है। तो इसको अलग अलग सिग्नल है सबके लिए, और सबको पता है कि कंट्रोल यूनिट की क्या सिग्नल है, उसका क्या मतलब है। उन सिग्नल्स को हम कहते हैं कंट्रोल सिग्नल्स। याद रखोगे, द सिग्नल्स थ्रू विच द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स आर कोऑर्डिनेट्स द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर नोन बाय द नेम ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स। नहीं आया समझ, एट द एंड बस इतना याद रखो, कंट्रोल यूनिट के दो काम है। फर्स्ट काम इसका ये होता है, दैट इज इट डायरेक्ट्स द ALU टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। इसको डायरेक्शन देता है, इसको बोलता है कि तुम्हें कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, तुम्हें क्या करना है। सेकेंड थिंग जो ये करता है, दैट इज इट कोऑर्डिनेट्स इन सारे कॉम्पोनेंट्स के बीच कोऑर्डिनेट कराता है डेटा कहाँ से कहाँ जाएगा, उसके लिए क्या करता है, ये बसेस को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कराता है। ठीक है, यही दो काम है, एक है कोऑर्डिनेशन, सेकेंड थिंग इज डायरेक्शन, डायरेक्ट इज द ALU। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पे यू कैन सी, मैं फिर से जितने मैं विजुअल दिखा सकता हूँ उतने काम है, क्योंकि इसको समझना इंपॉर्टेंट है। नाउ आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज कंट्रोल यूनिट, दिस इज रजिस्टर्स, दीज आर रजिस्टर्स एंड दिस इज योर ALU। अब मुझे बताओ ये तीनों क्या है, वट टू दीज थ्री कॉम्प्राइज, ये क्या बनाते हैं, ये तीनों क्या बनाते हैं, राइट डाउन इन द चैट, ये तीनों क्या बनाते हैं। इन तीनों को मैं अगर एक नाम दूंगा वो क्या होगा, कंट्रोल यूनिट, ALU एंड रजिस्टर्स, इनको मैं क्या कहूंगा, इन तीनों को, ये तीनों किस में होते हैं। मेरा चैट खराब हो गया या सो गया, दिस इज योर CPU, ये आपका CPU है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट, ALU और रजिस्टर, ये तो CPU है, कंट्रोल यूनिट, ALU एंड रजिस्टर, दिस इज योर CPU। ठीक है, ये आपका CPU है। इसके अलावा मेन मेमोरी, मैंने आपको बोला ये बाहर होगी, ठीक है, यस CPU, मेन मेमोरी बाहर होगी, ठीक है, ये CPU में नहीं होगी, मदरबोर्ड पे होगी लेकिन बाहर होगी। इसके अलावा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज होंगे।
देखो इनपुट, अब अगर मैं फिर से इसको बताऊंगा, इनपुट डिवाइस से डेटा आएगा मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी से वो रजिस्टर उसमें जाता है, रजिस्टर से एएलयू में जाएगा, एएलयू उसको एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करके जो रिजल्ट आएगा वो वापस रजिस्टर में आएगा, रजिस्टर से फिर वापस मेन मेमोरी में आएगा, और मेन मेमोरी से फिर रिजल्ट जो है वो आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे कोई की प्रेस की, या आपने 5+3 जो है प्रेस किया, 5+3 जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो उसके लिए एक कोड जनरेट होगा, वो कोड जो है जब एक ठीक है कोड जनरेट होगा। इससे पहले आप ये समझो कि कंट्रोल यूनिट जो है, कंट्रोल यूनिट के कनेक्शन होते हैं, कंट्रोल यूनिट के कनेक्शन होते हैं एएलयू के साथ भी, रजिस्टर्स के साथ भी, मेन मेमोरी के साथ भी, और इनपुट आउटपुट के साथ भी कंट्रोल यूनिट के कनेक्शन होते हैं, क्योंकि इन्हीं कनेक्शन या इन्हीं बसेस के थ्रू, इन्हीं बसेस के थ्रू कंट्रोल यूनिट इनको कंट्रोल सिग्नल भेजेगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अब मैंने कुछ प्रेस किया 5+3, उससे कोड जो है वो मेन मेमोरी में जाएगा, मेन मेमोरी से फिर वो रजिस्टर में जाएगा, रजिस्टर से एएलयू उस कोड को देखेगा कि वो क्या है और वो एग्जीक्यूट कर देगा उसको। आई होप ये चीज मैं आपको समझा पा रहा हूँ। एंड फाइनली मेन मेमोरी से डेटा जरूरत पड़ सकती है तो हम सेकेंडरी स्टोरेज में भी उसको सेव कर सकते हैं। ये आपका कंप्यूटर है, इसमें आप देख सकते हो कि डेटा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कौन एग्जीक्यूशन करता है, कौन कंट्रोल करता है, ये सारी चीजें यू कैन चेक। तो अब अगर मैं हर एक जो भी कंपोनेंट मैंने पढ़ा है उनके अगर मैं फंक्शन को यहाँ बताऊं, तो इनपुट यूनिट का काम है यूजर से एक्सेप्ट करना डेटा और इंस्ट्रक्शन, और साथ में सिर्फ उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा बल्कि उनको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट भी करेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में जब कन्वर्ट करेगा उसके बाद उसको भेजेगा मेन मेमोरी में, जहां पे टेम्पोरेरिली वो इंस्ट्रक्शंस डेटा या जो सॉफ्टवेयर अभी मैं चला रहा हूँ, जो करंट प्रोग्राम्स हैं, जो करंटली रनिंग प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर्स हैं, या जो डेटा मैंने इनपुट डिवाइस से दिया, वो टेम्परेरली कहाँ मेन मेमोरी में स्टोर रहता है। सो मेन मेमोरी का काम है टू टेम्पोरेरली स्टोर द इनपुट जो आ रहा है अभी, एंड द करंट प्रोग्राम्स या करंट सॉफ्टवेयर जो मैं चला रहा हूँ वो मेन मेमोरी में टेम्परेरली स्टोर रहते हैं। इसके बाद वी हैव द रजिस्टर्स। रजिस्टर्स का काम होता है ये इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करता है, या आप मानो कि इस इनका काम होता है एएलयू की ये हेल्प करते हैं टू होल्ड द डेटा जिसके ऊपर एएलयू एग्जीक्यूशन कर रहा है, जिस डेटा के ऊपर एएलयू काम कर रहा है, जिस डेटा के ऊपर एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है, उसको टेम्परेरीली ये रजिस्टर्स होल्ड करते हैं। इसके बाद जो एएलयू है वो एक्चुअल टास्क परफॉर्म करता है, और वो उसका काम है टू एग्जीक्यूट द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। उसके बाद कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट का काम है इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स, और इट कंट्रोल्स कोऑर्डिनेट्स एंड डायरेक्ट्स द अदर कंपोनेंट्स एंड द डेटा फ्लो बिटवीन देम, उनके बीच जो डेटा फ्लो करता है या कंट्रोल उनको करना, उनके बीच कोऑर्डिनेशन का काम सारा कंट्रोल यूनिट देखता है। आउटपुट यूनिट का काम है ये सप्लाई करता है आउटपुट रिजल्ट्स द यूजर, जो सीपीयू या कंप्यूटर जो रिजल्ट्स जनरेट करता है वो यूजर तक पहुंचाने का काम आपका आउटपुट यूनिट करता है। एंड फाइनली स्टोरेज यूनिट का काम होता है इट स्टोर्स द डेटा एंड द प्रोग्राम्स परमानेंटली, इसका काम होता है डेटा और प्रोग्राम्स को परमानेंटली स्टोर करना। अगर आप चाहते हो कि कोई चीज परमानेंटली स्टोर हो जो कि जब शट डाउन होने के बाद भी डिलीट ना हो, उसके लिए सेकेंडरी स्टोरेज होती है। तो सेकेंडरी स्टोरेज में एग्जाम्पल आपकी HDD या SSD होती है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको CPU पढ़ा है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि CPU जो है आजकल एक चिप पे आता है जो मैं आपको दिखाई। तो जब CPU एक चिप के ऊपर होता है, जब CPU सिर्फ एक IC होती है, एक छोटी सी चिप होती है जिसमें हजारों, millions and billions of transistors, resistors, diodes, जब एक साथ एक ही चिप के अंदर एक CPU बनाते हैं, उसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर, एंड माइक्रो प्रोसेसर इज यूज इन द माइक्रो कंप्यूटर्स। और CPU को बनाने के लिए जिस टेक्निक का यूज किया जाता है, जिस प्रोसेस का यूज किया जाता है, दैट्स कॉल्ड एज द फोटोलिथोग्राफी। ठीक है, फोटोलिथोग्राफी। तो फोटोलिथोग्राफी इज द प्रोसेस बाई विच द ICs, द चिप्स, द CPU, द माइक्रो प्रोसेसर इज मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मे बी ये पूछा जा सकता है। एंड यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर्स की जब हम बात करते हैं, ऐसे प्रोसेसर जो एक सिर्फ चिप में होते हैं, जो सिर्फ एक चिप होती है, इनमें सबसे पहला इंटेल ने बनाया था। इंटेल आज भी आप देखते हो, इंटेल इज द किंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। जितने भी आप देखते हो ना कंप्यूटर्स, इनके CPU सारे इंटेल क्यों बनाता है, क्योंकि इंटेल जो था
इंटेल वॉज द पायनियर इन द फील्ड ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। माइक्रोप्रोसेसर को शुरू शुरू करने के पीछे इंटेल का बहुत बड़ा रोल रहा है। और इंटेल ने दुनिया का सबसे पहला माइक्रोप्रोसेसर बनाया था जिसका नाम था इंटेल 4004, जो कि इंटेल ने 1971 में बनाया था। उनके साइंटिस्ट का नाम था टेड हॉफ और एक उनके एसोसिएट थे बाय द नेम ऑफ फ्रेडरिको फैगन। दीज वर द टू नेम्स बिहाइंड द फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर ऑफ द वर्ल्ड जिसका नाम था इंटेल 4004। एंड आज की डेट में जो माइक्रोप्रोसेसर आप देखते हो इंटेल के आते हैं, इंटेल कोर i7, देयर इज i9, एएमडी और एक कंपनी आती है उनके आते हैं एएमडी राइजन 3, एएमडी राइजन 5। ऐसे ही जो छोटे लैपटॉप्स मतलब जो कम प्राइस के लैपटॉप्स होते हैं जिनमें इंटेल के प्रोसेसर होते हैं उनमें इंटेल पेंटियम सीरीज होती है, इंटेल पेंटियम 4, 5 इस तरह के आपको देखने को मिलते हैं। सो दीज यू कैन सी हियर। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये तो माइक्रोप्रोसेसर है क्योंकि ये एक चिप है, ये भी एक सीपीयू, एक माइक्रोप्रोसेसर एक चिप है, लेकिन जो पुराने प्रोसेसर्स होते थे वो कुछ इस तरह से होते थे। ये तो चिप नहीं है, ये प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर सीपीयू का काम करेगा, बट दिस इज नॉट ए चिप। तो ये एक माइक्रोप्रोसेसर नहीं है क्योंकि ये सीपीयू जो है ये चिप के ऊपर नहीं है। इसमें आप देख सकते हो हियर दे हैव यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स, तो ये किस यहाँ देख सकते हो ना ऊपर वैक्यूम ट्यूब्स है, तो ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। फिर सेकेंड थर्ड जनरेशन में हमने सीपीयू चिप के अंदर देखे।